हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज आपके कोर्स से, टेक्स्ट बुक से सनराइज चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग भी जानना चाहोगे? देखिए, मेरे साथ खोल के बैठिए, पेज नंबर 33 और आपका टेक्स्ट बुक सनराइज चैप्टर 3। माई, देखिए इधर लिखा हुआ है MY, माई फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग देखिए, FRIEND, फ्रेंड। आप लोग भले इसकी स्पेलिंग जानते नहीं होंगे, लेकिन फ्रेंड का अर्थ या मतलब अच्छे से समझते हो, है ना? स्कूल में भी और घर के आसपास भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यानी आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। तो फ्रेंड बने दोस्त, और माई मतलब मेरे या मेरा, तो मेरा दोस्त। माई फ्रेंड मतलब मेरा मित्र। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, है ना? आपके बुक में आप जहाँ जहाँ मैं बताती जा रही हूँ, वहीं आप भी उंगली रख के देखते जाइए। और आप ना कोशिश कीजिए, जितने भी चित्र हैं, मैं जो भी प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका जवाब, स्कूल खुला होता तो मैं आपसे पूछती, लेकिन फिलहाल आप अपने घर में ही, मैं जो भी प्रश्न पूछ रही हूँ उसका जवाब आप अपनी भाषा में, जो भाषा में आप माँ से बात करते हो, घर में सभी से बात करते हो, उसमें बताइए, या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना? इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस इन सारे पिक्चर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में या हिंदी में, जिसमें भी आपको आता हो, आप भी बताओ। जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट जो पिक्चर है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे देखो, आप ही की तरह की उम्र के दो बच्चे हैं, है ना? दो मस्ती कर रहे हैं बच्चे हैं, जो बड़ा ही मज़ा कर रहे हैं। देख के ही लग रहा है ये दोनों बहुत खुश हैं, देखिए। और खुश क्यों हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप? ये दोनों क्यों खुश लग रहे हैं? इसलिए कि पानी में कूद रहे हैं, सही कहा, ये भी हो सकता है। और इसलिए भी मैं तो कहूँगी, इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। यानी दोस्त के साथ बच्चों को बहुत मन लगता ही है, किसी को भी लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक जो गर्ल है, ये एक बॉय है, दोनों फ्रेंड्स हैं, और दोनों एक साथ हाथ देखिए पकड़ के कूद रहे हैं पानी में, और मज़ा कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं खेल का, या फिर खेल रहे हैं। तो आप इस पिक्चर को देख के बहुत सारी बातें बता सकते हो, छोटे छोटे वाक्य, है ना? हिंदी में ही बोलो, कोई बच्चा हिंदी में बता सकता है, कोई अपनी घर की भाषा में बता सकता है। तो मैं भी, चूंकि ये इंग्लिश की बुक है हमारी, तो छोटे छोटे वाक्य या सेंटेंस मैं इंग्लिश में आपको बोलूँगी, बताऊँगी, उसकी हिंदी भी बताऊँगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में, हम लोग इस पिक्चर के बारे में कितने वाक्य या सेंटेंस हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं हिंदी में कि ये बच्चे हैं, ठीक है ना? ये बच्चा नहीं है, ये बच्चे हैं। बच्चे मतलब एक से ज़्यादा, यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी दो बच्चे हैं, इसलिए ये बच्चे होंगे। तो इन्हें कहा जा रहा है ये बच्चे हैं, इंग्लिश में हम इन्हें कहेंगे दीज आर चिल्ड्रन, ठीक है ना? बच्चे को चिल्ड्रन बोलते हैं, तो दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। फिर अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे आर प्लेइंग, आपको दिख ही रहा है ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, तो ये लोग वे खेल रहे हैं, अगर हम इनके बारे में कहें हिंदी पे, वे खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग। फिर हम कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वे कूद रहे हैं, है ना? अगर मैं पूछूं तो कोई बच्चा ये भी कहेगा कि वो कूद रहे हैं, यानी दे आर जंपिंग। फिर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैडम वो पानी में कूद रहे हैं या पानी पर कूद रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर जंपिंग ऑन द वाटर, ठीक है ना? वाटर माने पानी। इसके अलावा हम लोग इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, या फिर वे
मज़ा उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश होगा एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग, या चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक पिक्चर के बारे में कई एक वाक्य छोटे छोटे बनाए, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में, भाषा में बनाए या बोलें, हम लोग इस तरह बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरे पिक्चर पे आते हैं, नीचे देखिए, और ये बात ध्यान में रखिए कि ये लोग इसलिए, इनके बारे में हमने ये पढ़ा कि ये खुश हैं, ये कूद रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये पानी में कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि साथ में फ्रेंड है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ है। नीचे देखिए इस पिक्चर में, ये जो पिक्चर है यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक पेड़ है, एक उसके नीचे लड़की बैठी है, लड़की पढ़ रही है, लड़की के पास एक बकरी है जो लग रहा है उसकी फ्रेंड है। मैंने यहाँ, और ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम दोस्ती सिर्फ इंसान है तो इंसानों से ही करें, हमारे मित्र या फ्रेंड जानवर या पशु भी हो सकते हैं। जैसे कोई डॉग को पालता है तो वो डॉग के साथ खेलता है, कोई खरगोश को पालता है तो वो उसके साथ खेलता है, उसी तरह से ये यहाँ पे लड़की के की फ्रेंड जो है वो हम देख रहे हैं गोट है, तो यहाँ ये गोट इस लड़की की फ्रेंड है, इसलिए ये लड़की भी खुश है क्योंकि बगल में इसकी दोस्त करी है, इसलिए वो खुशी खुशी पढ़ाई भी कर रही है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये लड़की अपने दोस्त के साथ है, बकरी भी खुश नज़र आ रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड वहीं पे है, उसके पास है। तो इस पिक्चर के बारे में हमने इतनी सारी बातें की, इसे आप अपनी भाषा में या हिंदी में जैसे बताना चाहो, मुझे छोटे छोटे वाक्य बताओ, तब तक मैं आपको और कुछ बातें बताती हूँ इसके बारे में। हम लोग यहाँ कह सकते हैं इसकी, इस लड़की के बारे में, दिस इज़ अ गर्ल, या एक लड़की है। फिर ये जो बगल में गोट है, द गोट इज़ हर फ्रेंड, देख के ही लग रहा है कि ये बकरी इसकी दोस्त है। द गर्ल इज़ रीडिंग, लड़की क्या कर रही है? पढ़ रही है। अब वो क्या पढ़ रही है? तो द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक पुस्तक पढ़ रही है। बैठी कहाँ है वो, या बोल सकते हैं द गर्ल इज़ सिटिंग, लड़की बैठी हुई है, कहाँ पे बैठी हुई है? पेड़ के नीचे, तो द गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। इस तरह से इस पिक्चर के भी, और ये भी बोल सकते हैं यहाँ दोनों खुश हैं, ये लड़की भी और ये बकरी भी, दोनों खुश नज़र आ रहे हैं। फेस देखिए इनकी, तो देखिए खुश नज़र आ रही है, और ये भी, तो हम कह सकते हैं दे आर हैप्पी, है ना, ये लोग खुश है। अब आप लोग, ये तो 33 पेज नंबर हुआ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये जो लड़की है। हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 34। यहाँ देखिए पेज नंबर 34 में क्या हो रहा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं एक पिंजरा है, माने केज, CAGE, केज माने पिंजरा। इसमें से कुछ मुर्गियाँ लगता है बाहर निकल गईं, इन मुर्गियों को ये दोनों लड़कियाँ अंदर घुसा रही हैं, है ना, और ये दोनों लड़कियाँ फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, दोनों मिलकर खुशी खुशी इन मुर्गियों के साथ खेल रही हैं या उन्हें पिंजरे के अंदर घुसा रही हैं, डाल रही हैं। तो ये दोनों भी खुश हैं क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं साथ में, यहाँ भी दो बच्चे हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो ये दोनों बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक छोटे से गड्ढे में इकट्ठे पानी के ऊपर अपनी नाव चला रहे हैं कागज़ की, तो इस तरह बोट नाव को बोलते हैं, तो ये लोग बोट चला रहे चलाते हुए बड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों भी साथ हैं। नीचे वाले पिक्चर पे आइए, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, यानी ट्रीज़ हैं, और ये दो लड़के, ये भी दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पे एक कुआं है, वेल माने कुआं, और एक देखिए छोटा सा तालाब या जो भी है, यहाँ पे मछलियाँ हैं पानी के अंदर, और ये सारी मछलियाँ भी एक साथ बड़ी खुश नज़र आ रही हैं क्योंकि ये भी तो फ्रेंड्स हैं आपस में। तो हम लोग देखते हैं इंसान ही नहीं, जानवर या पशु भी अपने लोगों के बीच बहुत खुश रहते हैं या उनके भी मित्र होते हैं। देखिए ये सारी मछलियाँ खुशी खुशी बाहर झांक रही हैं पानी से, यानी अपने मित्रों के साथ हैं। ये दोनों बच्चे भी, दोनों बॉयज़ हैं, एक बॉय माने एक लड़का, लेकिन दो बॉय हैं इसलिए बॉयज़ बोलेंगे। यहाँ भी देखिए दो लड़कियाँ हैं, एक लड़की माने गर्ल, लेकिन दो लड़कियाँ हैं तो गर्ल्स। इस तरह हमने इन तीनों पिक्चर्स के बारे में भी पढ़ लिया।
ट्री में भी देखिए, जब वहाँ बकरी के पास जो लड़की बैठी थी, वो एक पेड़ था वहाँ, तो ट्री था वो, लेकिन यहाँ तीन पेड़ दिख रहे हैं, तो ये हो गए ट्रीज़। ट्रीज़ मैंने एक से अधिक पेड़। इस तरह से ये पिक्चर और जो पेज 33 में हमने पहले देखा था, इन सब में आपको क्या नज़र आया, क्या खास बात है? खास बात यही थी कि जहाँ जहाँ भी हमने देखा दो बच्चे हैं या जो जो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, वो सब बहुत खुश हैं और मस्ती कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है ये तो भी खुश है, खेल रहे हैं ये लोग तो भी खुश है। लेकिन इन सब से अलग थलग एक और पिक्चर है बेटा, देखो ये। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक लड़की है, वो लड़की कैसी है, अकेली है, एकदम अलोन है, अकेली है। क्यों? क्योंकि शायद इसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, इसके पास इस कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ये उदास है ना। अकेली भी है चूँकि इसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए खेल भी नहीं रही है, चुपचाप खड़ी है और उदास। देखिए फेस इसका, उदास खड़ी है। इस तरह हमें क्या समझ में आया पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 के पिक्चर्स देख के? जब हमने खुशी वाली, हैप्पी मोमेंट वाले पिक्चर्स देखे, तो उन सारे पिक्चर्स में सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ थे। तो हमें यही साबित होता है कि बच्चे या कोई भी व्यक्ति अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो वो खुश रहता है, लेकिन अगर वो फ्रेंड्स के साथ नहीं है जैसे ये, या उसके पास दोस्त नहीं है, तो वो अकेला है, वो खेलेगा भी नहीं और उदास भी रहेगा। तो इस लड़की को देख के भी आपके मन में जो जो सवाल या प्रश्न या बात उठ रही है, वो आप बोल सकते हो अपनी भाषा में या हिंदी में। इसके बारे में देखिए कुछ सेंटेंस मैं बताती हूँ आपको इंग्लिश में। इसके बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि शी इज़ अ, या दिस इज़ अ गर्ल, है ना, दिस इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है, या शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक है, या एक लड़की है। शी हैज़ नो फ्रेंड्स, इसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो इसलिए क्या है, शी इज़ अलोन, ALONE, अलोन माने अकेला, इसलिए वो अकेली है। शी इज़ सैड, देखिए इसका फेस, इसलिए वो उदास भी है क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है या कोई उसके साथ खेल नहीं रहा है। तो अब हमको इससे क्या साबित हुआ कि चिल्ड्रन आर हैप्पी विद देयर फ्रेंड्स, बच्चे तभी खुश रहते हैं जब उनके दोस्त उसके साथ होते हो या वो खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चिल्ड्रन आर हैप्पी, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ देखा सभी जगह चिल्ड्रन खुश थे, बच्चे खुश थे, बिकॉज दे हैव फ्रेंड्स, क्योंकि उन सबके पास दोस्त है। देखिए ये दोनों दोस्त हैं, यहाँ भी दोनों दोस्त हैं, पेज नंबर हम लोग 34 में गए थे, यहाँ भी दोनों दो गर्ल्स हैं, यहाँ दो बच्चे हैं, यहाँ दो बॉयज़ हैं, ये सब अपने फ्रेंड्स के साथ है। इवन कि मछली भी, फिशेज़, एक फिश मैंने एक मछली, लेकिन यहाँ पांच मछलियाँ हैं, एक से अधिक, तो हम फिशेज बोलेंगे, तो ये भी बहुत खुश है। तो हम देखते हैं कि सब लोग जो एक साथ है किसी के, वो खुश हैं, लेकिन अकेली केवल ये है, अलोन है ये, इसलिए ये दुखी है। तो बिकॉज दे हैव फ्रेंड्स, बट द गर्ल इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन ये लड़की हैप्पी नहीं है, ये खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे दोस्त नहीं है। तो हम लोग कैसे खुश रहते हैं? वी आर हैप्पी विथ आवर फ्रेंड्स, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहते हैं, इसलिए इस लेसन या चैप्टर का नाम है माई फ्रेंड। तो अब आपको समझ में आया कि माई फ्रेंड चैप्टर का नाम क्यों है और फ्रेंड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सब कुछ, हर तरह की मस्ती, हर तरह के उद्यम मचा सकते हैं, मस्तियाँ कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, खेल सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, जब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा आपको देखिए, जब ये दोनों ही पिक्चर्स मैंने आपको पढ़ा दिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपके लिए पढ़े इंग्लिश में, आपने जो बातें अपनी भाषा में या हिंदी में कही, उन्हीं को मैं इंग्लिश में मैंने लिखा है। आप देखिए, सबसे पहले जैसे वो फर्स्ट पिक्चर को देख के हमने कहा, दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। नेक्स्ट हम लोग उसी पिक्चर के बारे में देखिए, बहुत सारी लाइन लिखी है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर जंपिंग ऑन द वाटर, वे पानी पर कूद रहे हैं, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, दे वे मस्ती कर रहे हैं, दे आर फ्रेंड्स,
वे दोस्त हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर, जो नीचे किताब पढ़ रही थी, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। द गोट इज हर फ्रेंड, बकरी उसकी दोस्त है। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, मतलब वो लड़की पढ़ रही है, या द गर्ल इज रीडिंग, है ना। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। शी इज सिटिंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठी है। अगले पिक्चर में हमने जो देखा वो सब तो मैंने बता दिया, उसके बारे में नहीं लिखा। अब जो वो अलोन है लड़की, जो अकेली थी, अलग थलग, उसके बारे में कहती हूँ कि दिस इज अ गर्ल या शी इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, ठीक है। शी हैज नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं है, या उसके कोई दोस्त नहीं है। शी इज अलोन, वह अकेली है। शी इज सैड, वह उदास है। चिल्ड्रन आर हैप्पी, जहाँ जहाँ दोस्तों के साथ बच्चे थे, वे बच्चे खुश हैं। बिकॉज दे हैव फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास दोस्त हैं, क्योंकि उनके पास दोस्त हैं। बट द गर्ल इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो लड़की जो अलग थलग है, जो अलोन है ना, जो अलोन है, वो हैप्पी नहीं है, वह लड़की खुश नहीं है। वी आर हैप्पी विथ आवर फ्रेंड्स, इससे क्या साबित होता है कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ खुश रहते हैं। इस तरह ये लेसन द फ्रेंड आपको समझ में आया कि फ्रेंड क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, फ्रेंड्स का क्या महत्व है, इस चैप्टर से हमने ये समझा। अब बहुत सारे जो न्यू वर्ड्स हमने सीखे आज, देखिए उसके स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड बने दोस्त या मित्र। वाटर मतलब पानी, WATER, वाटर। JUMP, जम्प मैंने कूदना। CHILDREN, चिल्ड्रेन यानी बच्चे। CHILD, चाइल्ड मैंने एक बच्चा, ध्यान दीजिए। CHILD, वो जो लड़की अलग थलग थी, जो अलोन थी, अकेली थी, वो एक चाइल्ड है, मतलब एक बच्चा है। लेकिन जहाँ दो दो बच्चे खेल रहे हैं, एक से अधिक, उन्हें कहते हैं चिल्ड्रन। एक से अधिक या दो हो, पाँच हो, सौ हो, जितने भी हो, उन्हें कहते हैं बच्चे। ट्री, ट्री माने पेड़, जहाँ एक पेड़ था, नीचे लड़की बैठ के पढ़ रही थी, और अगले पेज में तीन पेड़ थे, यानी एक से अधिक पेड़ थे, तो एक से अधिक पेड़ को ट्रीज बोलेंगे, एस लगा देंगे। वैसे ही गोट, GOAT, गोट माने बकरी। फिर इधर आइए गर्ल, है ना, GIRL, गर्ल माने एक लड़की, लेकिन गर्ल्स माने एक से अधिक लड़कियाँ, उसको लिखेंगे लड़कियाँ। BOAT, बोट माने नाव, बच्चे नाव चला रहे थे। हेंस, HENS, हेंस, यहाँ एक से अधिक मुर्गियाँ हैं, इसलिए मुर्गियाँ लिखेंगे और वो हेंस होंगी, है ना, हेंस कहलाएंगी, तो मुर्गियाँ। फिर है केज, CAGE, केज, केज माने पिंजरा। WELL, वेल, वेल माने कुआं। FISHES, फिशेज, फिशेज माने मछलियाँ, क्योंकि एक से अधिक मछलियाँ, एक होती तो फिश लिखते FISH, लेकिन ES लग गया, क्योंकि एक से अधिक मछलियाँ हैं। अब है बॉय, और बॉयज देखिए, BOY, बॉय माने एक लड़का, और BOYS, बॉयज माने एक से अधिक लड़के, जहाँ नीचे वाले पिक्चर में दो लड़के दौड़े जा रहे थे। तो इस तरह एक वर्ड छूट गया, अलोन, देखिए मैंने यहाँ लिखा ALONE, अलोन माने अकेला, जो एकांत में रहता है या अकेला। इस तरह से ये सारे कुछ नए वर्ड्स हैं, जिनके स्पेलिंग और जिनके बहुवचन और एकवचन भी मैंने इसी में बता दिए हैं। ये सारे इतने सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सेंटेंसेस को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे रोज़ रोज़ बोल के पढ़ेंगे आप, उतार लेंगे, और सिर्फ रोज़ बोल के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा, आप इसको हिंदी या अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, और अपनी, और इस तरह हम लोग फ्रेंड के महत्व को आज जाने, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।